सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो B20 प्रो फोन के एंड्रॉयड 12 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, एंड्रॉयड 12 एंड फंटाच ओएस 12 लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे वीवो के B20 प्रो फोन में एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिल चुका है। तो मैं आपको इसी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आपको थंबनेल पे देखने को मिल चुका होगा। तो फाइनली इस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे कि इसका अपडेट का क्या साइज है एंड इसका क्या वर्जन है एंड इस अपडेट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है फंटाच ओएस 12 में। तो फाइनली मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं एंड पूरे फीचर्स का फुल रिव्यू करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के B20 प्रो फोन के एंड्रॉयड 12 एंड फंटाच ओएस 12 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप, हम बात करने वाले हैं वीवो के B20 प्रो फोन के एंड्रॉयड 12 लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि यहां पे मेरे पास कुछ स्क्रीन शॉट है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कितने जीबी का अपडेट है एंड क्या वर्जन है एंड इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, मैं आपको यहां पे लाइव दिखाने वाला हूं, यहां पे फीचर्स वगैरह रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। तो एंड तक बने रहिएगा, तभी जाके आप लोग को यहां पे समझ में आने वाला है। तो फाइनली यहां पे आप देख सकते हैं कुछ स्क्रीन शॉट मेरे पास आ चुके हैं। यहां पे फंटाच ओएस इसका जो वर्ल्ड वर्जन है 6.71.9 का यहां पे हमें वर्जन देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमारा ये पुराना वर्जन है एंड इसके अंदर जो न्यू वर्जन अपडेट हुआ है, यहां पे रोल आउट हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं 8.71.5 का यहां पे हमें देखने को मिल जाता है, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं 8.71.5 का यहां पे मिल जाता है। एंड का अपडेट का साइज क्या है, तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं 3.18 का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे लगभग 4 GB का अपडेट हमें देखने को मिल चुका है वीवो के B20 प्रो फोन में। तो फाइनली इसमें अपडेट में क्या क्या इंप्रूव किया गया, मैं आप लोग को इसमें समझा देता हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकमेंडेड में यहाँ पे हमें मिल जाता है फंटाच ओएस 12, जो कि यहाँ पे ग्लोबल वर्जन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। एंड फॉर फंटाच ओएस 12 में जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। जब आप अपने फोन को अपडेट कर लेते हो तो इसमें आपका फोन का परफॉर्मेंस यहाँ पे और भी बेटर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसको वीडियो को पोस्ट करके, और यहाँ पे आप देख सकते हो फंटाच ओएस 12 यहाँ पे मैंने आप लोग को जूम करके दिखा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट, तो यहाँ पे फंटाच ओएस 12 तो इसमें परफॉर्मेंस वगैरह इंक्रीज किया गया है। फाइनली यहाँ पे अगर आपके वीवो के B20 प्रो फोन में एंड्रॉयड 12 अपडेट मिल चुका है, तो फाइनली जाके आप फटाफट अपडेट कर सकते हो। नीचे मिल जाता आपको यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ पे जो कि हमारा वेदर जो होता है, वेदर जिसमें आप देखते हो यहाँ पे वेदर वगैरह, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें पावरफुल बनाया गया यहाँ पे वेदर वगैरह, इसमें आपको चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाता है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अलग तरीके का चेंजेस इसके अंदर देखने को मिल जाता है, इसका भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ पे कैसा चेंजेस देखने को मिलता है। और नीचे आपको मिल जाता है नैनो म्यूजिक प्लेयर, जो कि नैनो म्यूजिक प्लेयर आपको वीवो के B23 फोन में देखने को मिल जाता है, उसी तरीके से आपके वीवो के B20 प्रो फोन में देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जाके चेकआउट कर सकते हो, अगर आपके फोन में अपडेट आ चुका है तो आप चेकआउट करके अपडेट कर सकते हो। फाइनली यहाँ पे दूसरा स्क्रीन शॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें और भी इंप्रूव किया गया। आप देख सकते हैं जो भी चीज़ यहाँ पे दिखाने को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कि जो जो इसके अंदर इंप्रूव किया गया एंड यहाँ पे आपको लाइव भी दिखाऊंगा फीचर्स वगैरह और भी क्या इसके अंदर चेंजिंग देखने को मिल जाता है। तीसरा स्क्रीन शॉट यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको मिल जाता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जो कि आपके इसके अंदर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाता है एंड इंप्रूव किया गया है। इसी के अंदर आपको स्क्रीन लॉक एंड फिंगरप्रिंट लॉक एंड फेस लॉक देखने को मिलेगा। फाइनली यही इतना ही स्क्रीन शॉट मेरे पास था, तो ये अपडेट आपको देखने को मिल चुका है अगर आप वीवो के B20 प्रो फोन में, तो जाके आप चेकआउट करके अपडेट कर सकते हो। फाइनली दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया वीवो के B20 प्रो फोन में एंड्रॉयड 12 अपडेट मिल चुका है, जो कि लेटेस्ट अपडेट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके सेटिंग वगैरह क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल जाएगा वीवो के B20 प्रो फोन में, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस तरीके का हमें देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो हमारा सिक्योरिटी है यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हो कि हमारा अपडेट जो है, जो कुछ सिक्योरिटी बैचेस लेवल जो है कौन से मंथ का चल रहा है। एंड इसके अंदर आप पैटर्न लॉक एंड फिंगरप्रिंट लॉक एंड फेस लॉक स्मार्ट लॉक भी लगा सकते हो इसी के अंदर से फोन टच ओएस टूल में। एंड इसके अंदर आपको मिल जाता है प्राइवेसी, जो कि प्राइवेसी के अंदर आप अपना जो भी प्राइवेसी रखते हो एंड इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको फोन टच ओएस टूल में जो कि अल्ट्रा गेम मोड चेंज देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे अगर आप अल्ट्रा गेम मोड को ओपन करते हो एंड अगर आप कोई गेम वगैरह प्ले करते हो तो आपका जो बैटरी सेव करके रखता है एंड बैटरी शेयर मोड स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम नहीं होती है। फोन टच ओएस टूल में ये चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो और भी चेंजेस इसके अंदर आप लोग को दिखाता हूं। जैसे कि अगर आप यहां पे आते हो लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पे, तो यहां पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में पूरे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। एंड यहां पे आपको थीम्स वगैरह एक ही देखने को मिल जाएगा फोन टच ओएस टूल में। जैसे कि यहां पे आप अलग से थीम्स वगैरह ऐड नहीं कर पाओगे, अलग से जो थीम्स आप ऐड करते थे पहले वो ऐड नहीं हो पाएगा फोन टच ओएस टूल में। अब बात कर लेता हूं, यहां पे आपको मिल जाता है होम स्क्रीन सेटिंग, जो कि यहां पे आप देख सकते हो यहां पे होम स्क्रीन स्टाइल ऐप डोर स्टाइल कुछ इस तरीके का आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है फोन टच ओएस 12 में। उसके बाद आपको यहां पे मिल जाता है लॉक लेआउट, जो कि हमें एंड्रॉइड 12 में भी एंड एंड्रॉइड 11 में भी देखने को मिलता था। उसके बाद मिल जाता है यहां पे जो आइकन वगैरह आप यहां पे बड़ा छोटा करते हो एंड राउंड करते हो, वो भी इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल जाता है हमें फोन टच ओएस 12 में। तो फाइनली ये चेकआउट कर सकते हो, जो जो फीचर्स हमें देखने को मिला है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो कि हमें होम स्क्रीन का यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन वगैरह इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं फोन टच ओएस 12 में। उसके बाद आप देख सकते हैं और भी दिखाता हूँ यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग को मैंने दिखाया नोटिफिकेशन जो बार होता है, यहाँ पे नोटिफिकेशन को आप ब्लॉक करते हो, ये भी यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे जो कि वॉल्यूम वगैरह, यहाँ पे ऐप्स वगैरह के अलग अलग फीचर्स वगैरह इसके अंदर ऐड किया गया है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो होम स्क्रीन है इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है, इस तरीके का आपको ऐड और स्टाइल देखने को मिल जाता है। और इसके साइड में जब करते हो तो यहाँ पे आपको बैचेस वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे बैचेस को ऐड कर सकते हो अपने होम स्क्रीन पे और डिजाइन बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ इस तरीके का डिजाइन वगैरह आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स यहाँ पे ऐड किया है वीवो ने फोन टच ओएस 12 में, जो कि बैचेस वगैरह यहाँ पे मैं अलग अलग तरीके का ऐड करके अपने फोन में यूज कर सकूं। तो ये बहुत ही बढ़िया वीवो ने काम किया हमें फोन टच ओएस 12 एंड एंड्रॉइड 12 में। तो ये दोस्तों यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, आप जाके अपने फोन में चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे एक अच्छी बात है, जो कि अगर आप यहाँ पे थर्ड क्वालिटी एप्स को यूज करते हो तो उसका यहाँ पे भी आप बैचेस वगैरह बना के ऐड कर सकते हो अपने होम स्क्रीन पे। ये भी फीचर्स ऐड किया है यहाँ पे वीवो ने, यहाँ पे आप लोग को बता दिया मैंने। और इसके अंदर आप यहाँ पे जो भी आप दिखा देता हूँ, जब आप यहाँ पे टैप करते हो उसके बाद यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं, तो इसको भी आप यहां पे यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहां पे आप लोगों को दिखाता हूं सेटिंग में, जो कि आपको नैनो म्यूजिक प्लेयर कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। नैनो म्यूजिक प्लेयर यहां पे आपको चेंजिंग देखने को मिल जाता है, जो ने मैंने आप लोगों को बताया। एंड उसके बाद आपको यहां पे दिखाता हूं जो कि हमारा वेदर वगैरह, तो यहां पे आपको वेदर दिखाता हूं जो कि इस तरीके का आपको चेंजिंग देखने को मिल जाएगा फोन टच ओएस 12 में। यहाँ पे आप देख सकते हो रात में कुछ अलग हो जाएगा एंड डे में आपको कुछ अलग देखने को मिल जाएगा, ये भी बहुत ही बेटर है दोस्तों। उसके बाद आपको ये अलग अलग यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं एंड इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स वगैरह अगर मैं आप लोग को बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर डायनामिक इफेक्ट के अंदर भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको नैनो म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, इसके अंदर भी आप यहां पे यूज कर सकते हो बटन वगैरह इसके अंदर भी आप यूज कर सकते हो। तो फाइनली इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं फोन टच ओएस 12 में एंड मैंने आप लोग को पूरे फीचर्स वगैरह बता दिया। अगर आप अपने फोन को फोन टच ओएस 12 में अपडेट कर लेते हो तो फाइनली आपको यहां पे सिस्टम नेविगेशन में थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहां पे फोन टच ओएस 12 में सिस्टम नेविगेशन को भी यूज कर पाओगे अच्छे तरीके से मैनेज करके। तो ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि फोन टच ओएस 12 में ऐड किए गए हैं। एंड इसके अंदर और भी फीचर्स वगैरह है तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आपको ओनर एंड गेस्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोन टच ओएस 12 में। तो फाइनली दोस्तों मैंने आप लोग को पूरे डिटेल में बता दिया है वीवो के B20 प्रो फोन में क्या क्या फीचर्स है एंड अपडेट कैसे करना एंड सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया हूं, अपडेट का साइज भी बता दिया हूं, जो कि वीवो के B20 प्रो फोन में अपडेट मिल चुका है। एंड अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो वेट कर लीजिएगा, आप जल्दी
ही आपको भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। फाइनली अगर आप अपने फोन में अपडेट करते हो तो वाईफाई से अपडेट करोगे तो बेटर होगा। अगर आप वाईफाई से अपडेट करते हो तो आपके फोन में कोई बग वगैरह नहीं होगा। अगर आप नेटवर्क से अपडेट करते हो तो थोड़ा बहुत बग आ जाएगा। तो फाइनली जाके आप अपने फोन को फटाफट से अपडेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंप्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।